व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है ऋषान। आप देख रहे हैं टेक्नोटेक मालिक। बिना को टाइम वेस्ट किए आज वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ Realme 9 Pro 5G फोन की। तो इस वीडियो में इसके फीचर और इसके स्पेसिफिकेशन हम आगे वीडियो में कवर करते हैं। तो जैसे कि आप लोग के सामने रखा हुआ है Realme 9 Pro का बॉक्स, 5G लिखा हुआ है। साइड की बात करेंगे, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर की बात करेंगे तो आपको सारी बेसिक जो फ़ोन के अंदर चीज़ें क्या क्या मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। मेरे पास यहाँ पे कलर आपका ऑरा ग्रीन है और मेरे पास 6GB रैम 128GB वेरियंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे साइड की रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। पीछे आपको कुछ हाईलाइटिंग फीचर देखने को मिल जाते हैं और इसकी प्राइस भी यहाँ पे आपको मेंशन आराम से ही देखने को मिल जाती है। पर एक्चुअली में अभी इतने का नहीं है जितना यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे कुछ हाईलाइटिंग फीचर देखने को मिलती है। तो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं, यहां से इसके टेप को ये निकालते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। खैर, अच्छी बात ये है कि आजकल भी ऐसे बॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं इतने बड़े, वरना तो एक्चुअल आपको रियलिटी तो पता ही क्या क्या देखने को मिल रहा है आजकल मार्केट में। एप्पल कुछ हटा रहा है एनवायरमेंट के मामले में, और एक्चुअली में इतना कुछ हो नहीं, अलग इतना ही है तो अलग से काहे बेच रहे हो जब इतना एनवायरमेंट का बेचा। खैर, आपको एक कवर देने को मिल जाता है, बाकी डॉक्यूमेंटेशन सिम इजेक्टर आपको टूल देने को मिल जाता है। ये यहाँ पे रखते हैं, बाकी डॉक्यूमेंटेशन फेंकते हैं साइड में, कोई इतना यूज़ नहीं पड़ता ही नहीं, फालतू में देते हैं। और केस है, अच्छी क्वालिटी का कवर आपको देने को मिल जाता है। खैर, ये कवर में दिक्कत ये होती है कि कुछ टाइम बाद आपको थोड़े काले हो जाते हैं। खैर, ये ग्रे कलर का ये तो नहीं हो, लेकिन जो प्योर वाइट आती है उसमें दिक्कत हो जाती है ट्रांसपेरेंट से। ये आपको हमारा फोन देखने को मिल जाता है, हमारा फोन अभी देखते हैं साइड में। और ये 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग वाला अडेप्टर देने को मिल जाता है, और यहाँ पे हमारी चार्जिंग केबल टाइप सी से यूएसबी टाइप वाली देखने को मिल जाती है। तो बॉक्स से बस आपको इतना ही चीज़ देखने को मिलता है। आते हैं अपने फ़ोन को, बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की। सबसे पहले बूट का बटन दबा दें, तब तक हमारा फ़ोन ऑन होगा तब तक हम देखते हैं। तो ये हमारी हमको देखने को मिल जाती है, आपको ये बैक देखने को मिलती है, और ग्रीन कलर की प्लास्टिक आपको बैक देखने को मिलती है, और ग्लॉसी आपको डिज़ाइन देखने को मिलता है। और बाकी बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्लेन देखने को मिलता है, यहाँ पे माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर ट्रे मतलब सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, यहाँ से पावर वॉल्यूम अप एंड डाउन की देखने को मिलती है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे कुछ 3.5 देखने को मिलता है, बहुत जरूरी बात है। सेकेंडरी माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, टाइप चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है, और ये आपको स्पीकर कहते हैं स्पीकर देखने को मिल जाती है यहाँ पे। और यहाँ की बात करें, यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है। बैक की बात करेंगे, आपको प्लास्टिक की बैक देखने को मिल जाती है, 8.5mm की ये बैक है, और इसमें आपको आराम से देखने को मिल जाती है, 180 ग्राम का इसका वेट है। और इसमें आपको एक ही आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है बस, बाकी यहाँ पे स्पीकर देखने को मिलता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 20,000 का फोन है, आपको कम से कम आपको अच्छी खासी आपको देखने को मिल जानी चाहिए थी, आपको स्पीकर पर ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। तो खैर, हमारा फ़ोन ये ओपन हो चुका है। तो ये हमारी डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, कमाल की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। 6 सीरीज की एक आपको IPS LCD आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसकी डिस्प्ले को स्मूथ करने के लिए इसमें आपको 120Hz का आपको रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का ये आपको देखने को मिलता है। एकदम बढ़िया, गेमिंग के मामले में कोई दिक्कत नहीं आती, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, इनडोर आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी आपको बढ़िया देखने को मिलती है। और इसमें आपको लेफ्ट में पंचोला को छुड़ा सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और अगर बात करते हैं अबाउट फ़ोन की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Realme 3.2 देखने को मिलता है, Android 12 देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और यहाँ पे आपको जैसे कि पता है, यहाँ पे आपको प्रोसेसर को मिल जाता है, जिससे मैंने बताया था, इसमें आपको 6GB की आपको मेरे को रैम देने को मिल जाती है, Android 12 पे रन करता है, और इसमें आपको LPDDR वाली रैम देने को मिल जाती है, UFS आपको 2.2 देने को मिलता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। खैर, ये सब जो ऐप आप लोग देख रहे हैं, बाकी जो आपको थोड़े बहुत दिख रहे हैं, वो मैंने इंस्टॉल करे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों की ऐप की जरूरत पड़ जाती है। खैर, आपको ये पिकासो दिख रहा होगा, लेजेंड की तो बात ही अलग है, वो लोग रखते हैं फ़ोन में, हर कोई थोड़ी ना आपको मतलब कि इतना आप नेटफ्लिक्स का अकाउंट लेने के लिए देखता है, आराम से यहाँ पे आपको पिकासो में सारे आपको शो देने को मिल जाते हैं। खैर, वो अलग चीज़ है। और बाकी जो फ़ोन है, काफ़ी ज़्यादा कोई बढ़िया देने को मिल जाता है, प्राइस के हिसाब से भी देखा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपको देने को मिलता है। अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 695 6nm वाला देखने को मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। गेमिंग की बात करें, डे टू लाइफ में काफ़ी देर मज़ा आपको आने वाला है। बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको आराम से देखने को मिल जाएगी बैटरी की। अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको 33W का ये आपको फास्ट चार्जिंग वाला अडेप्टर देने को मिलता है, जो कि आपके फ़ोन को बहुत जल्दी आराम से 45 से 40 मिनट में आपके फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है ये।
और इसमें आपको बात करते हैं, इसमें आपको साइड माउंटेड, आपको इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे सेल्फी कैमरे में आपको फेस अनलॉक का भी ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा काफ़ी तेज़ वर्क करते हैं। तो बात करते हैं अब हम इसकी ऑडियो क्वालिटी की। तो इसमें आपको एक ही स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा ख़राब बात है कि आप ऑडियो सुनिए। तो जैसा कि आपने देखा कि इसकी ऑडियो क्वालिटी तो खैर लाउड है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप 17-18 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो हिसाब से आपको मिलनी चाहिए थी आराम से। कम से कम स्टीरियो स्पीकर तो देते ही, पता नहीं उन्होंने क्या किया ख्याल, लेकिन फ़ोन आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाता है। और बाकी बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी आपको सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि आपका ओमनी विजन वाला आपको देखने को मिलता है, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। बाकी वीडियो कॉल की बात करें, इस फोन से आप फुल HD में 1080p में आप 30 और 60 FPS वीडियो कॉल पाएंगे। बाकी इसमें पोर्ट्रेट, नाइट मोड और से बहुत सारे और भी फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। और बाकी जो इसका फोटो वगैरह काफ़ी आपको बढ़िया निकल के आती है। अगर बात करते हैं हम सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको देने को मिल जाता है, ये आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देने को मिलता है। यहाँ पे आप HD में वीडियो को कर पाएंगे, और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट और फिल्टर से बहुत सारे अच्छे अच्छे इसमें आपको फीचर देने को मिल जाते हैं। बाकी मैं आगे सैंपल डाल दूंगा वीडियो का भी और फोटोज़ का भी, लेकिन इसमें जो प्राइमरी वाला सेंसर है वहाँ पे आपको कलर थोड़े ज़्यादा ही आपको बूस्ट देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू जो आपका अल्ट्रा वाइड है। अल्ट्रा वाइड में नेचुरल कलर आपको देने को मिलता है, जैसे क्या कि आप मैं फोटो में आपको दिखाऊंगा उसमें देखिएगा हरा है, कुछ ज़्यादा ही हरा दिख रहा है। अल्ट्रा वाइड इधर दिखाऊंगा, इधर आपको प्राइमरी वाला दिखाऊंगा। बिल्कुल मिला के फोटोज़ की बात करें तो प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, काफ़ी आपको अच्छे इसमें फोटो वीडियो क्लिक इसमें आप कर पाएंगे। तो बात करते हैं इसकी प्राइस, इसकी जो प्राइस है आपको 6GB RAM 128GB वेरिएंट आपको अभी इस टाइम इंडिया में देखने को मिलेगा 22,000 रुपीज़ का, लेकिन मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बिग बिलियन डे में खरीदा था, तो मेरे को ये प्राइस में पड़ा था आराम से आपको देखने को मिल जाता उस टाइम पे। अगर हमें खरीदा होता तो आपको 16-17 हज़ार, मेरे को तो खैर ये 16,500 कुछ रुपये का पड़ा है, लेकिन अभी इसको आप लेने जाएंगे तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, ये आपको अभी देखने को मिलेगा 22,000 रुपये का। और ये अगर आप 8GB RAM 128GB वेरिएंट आप ये लेंगे Realme 9 Pro का 5G वाला, तो ये आपको देखने को मिलेगा आराम से आपको 23-24 हज़ार रुपए का। क्या काफ़ी आपको प्राइस देखने को मिलता है, बिग बिलियन डे में बहुत कमाल की सेल चली थी। अब की बार आईफोन हो गया, ऐसे बहुत से फोन अच्छे रेंज में आपको देखने को मिलते हैं। बाकी फोन आपका 5G है, ब्लूटूथ के बैंड देखने को मिलते हैं, बाकी ब्लूटूथ 5.1 हो गया और वाईफाई हो गया और 5G के बैंड हो गया, अच्छे खासे आपको इस फोन में बैंड देखने को मिलते हैं। ये कि 5G फोन है थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये कि वहाँ पे आपको चार्जिंग में मेरे को लगता है और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए थी, बाकी डबल स्टीरियो स्पीकर देने से। लेकिन अगर आपका बजट है, आपको फोन है, कैमरा वाला फोन है, तो मेरे को तो ये 17-18 हज़ार रुपये का काफ़ी तो बढ़िया फोन निकल के आया। तो अगर आपका बजट है, आपको कोई फोन लेना है रियलमी का ही फोन लेना है, तो मेरे को तो रियलमी 9 प्रो 5G काफ़ी तो कमाल के लिए आपके लिए होने वाला है। तो खैर आज की वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो।